Assalamu alaikum. Welcome to Verilog Tutorials for Beginner. In this video, we are going to follow the concept of the flip-flops and how we are going to design a flip-flop in Verilog language. So let's start with the theory of the flip-flop. The theory of the flip-flop says that the flip-flop is just a sequential element which updates its value on every passage block. Right? The symbol of the flop, the flip-flop, is something like this. Flip-flop, there are multiple inputs in the flip-flop. Number one is the reset. One is the clock. One is D. And the other output is Q. Flip-flop is like a sequential element, or you can say just like a memory which stores a value inside it on until and unless we overwrite it or we write a new value into it. The override of the flip-flop only happens on the pause edge or any edge of the clock. Reset is used to initialize some initial value to the flip-flop. It's just like we can get the concept of the reset when we perform factory reset or restore or reset our mobile phones or laptops. So it comes back to its original position when it was when we buy it. So reset acts like a factory reset for everything. So in systems, in digital design, we also use reset to change the, to bring our any design circuit into a known variable, right? So basically, reset ke kabhi dobara aapko Urdu mein uski definition batao to reset hum isliye use karte hai ki jaisa mobile ke andar apne factory reset karte hain to aapka mobile bilkul hi purely jis tarah aapne kharida hota hai us tarah ka ho jata hai, usme jitni bhi cheeze hoti hain wo sab delete ho jati hain. तो इसी तरह फ्लिप फ्लॉप के अंदर भी रीसेट का ये कॉन्सेप्ट आता है कि जब भी हमें अगर फ्लिप फ्लॉप को रीसेट करना होता है कि हमने जो वैल्यू सेव करवाई है, हम नहीं चाहते कि वो वैल्यू सेव हो, हम चाहते हैं इसकी जो पुरानी वैल्यू थी, जो इनिशियल वैल्यू थी, उसी के ऊपर वो दोबारा आ जाए, तो हम उसके लिए हम रीसेट को यूज करते हैं. फ्लिप फ्लॉप का ऑपरेशन बेसिकली ये है कि जब भी आपके पास क्लॉक आती है तब आप फ्लिप फ्लॉप को अपडेट करते हैं. अच्छा, क्लॉक की बात करें, क्लॉक इज जस्ट लाइक अ टॉगलिंग ऑफ अ सिग्नल्स. अगर आप इसमें डिजिटल सर्किट्स के अंदर अगर हम हाई और लो की बात करें तो बेसिकली उसके लिए हम दो सिग्नल्स यूज करते हैं कि हाई के लिए हम अपर हाई लो सिग्नल यूज करते हैं और लो के लिए हम स्ट्रेट लाइन को यूज कर रहे हैं. क्लॉक का बेसिकली मतलब क्या है कि आप अपने क्लॉक को टॉगल कर रहे हैं, यानी कि आप एक क्लॉक जनरेट करते हैं जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई एंड लो इज बेसिकली इज इक्वल्स टू वन क्लॉक साइकिल. ठीक है, यानी कि अगर आपका एक सिग्नल वन होता है और वन होने के बाद जब वो जीरो हो जाता है तो स्टार्टिंग वन होने से लेके इसका एंड दूसरी बार इसको जब दोबारा ये वन हो रहा था इसके स्टार्टिंग पॉइंट तक इसको हम कहते हैं वन क्लॉक साइकिल. ठीक है, ये क्लॉक साइकिल होती है. अब इस क्लॉक साइकिल में हमारे पास दो चीजें होती है. एक होता है हमारे पास पॉजिटिव एज. एज से आप पता चल सकते हैं कि मैं एज की अगर मीनिंग बात कर रहा हूँ तो एक किसी एज की बात कर रहा हूँ. तो पॉजिटिव एज का मतलब है कि आप जब जीरो से, यानी कि आप इस जीरो सिग्नल से जब आप पॉजिटिव एज की तरफ जा रहे हैं या पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जा रहे हैं तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एज. इसी तरह हमारे पास एक सिग्नल होता है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव एज. नेगेटिव एज का मतलब ये होता है कि जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यू की तरफ जा रहे हैं तो हम उसको, उस एज को हम कहते हैं नेगेटिव एज. तो बेसिकली क्लॉक जो होती है हमारी, एक पॉजिटिव एज होती है और नेगेटिव एज होती है. तो बेसिकली जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं दे कैन आइदर बी पॉजिटिव एज ट्रिगर, यानी कि ट्रिगर से मतलब ये है कि वो कब चलेंगे, जब या तो उसको पॉजिटिव एज मिलेगी या फिर उसके लिए हो सकता है कि वो एक नेगेटिव एज ट्रिगर हो. जब उसको नेगेटिव एज मिल रही हो तब वो अपने आप को ट्रिगर कर रहा हो. इसकी अगर हम थोड़ी वेव फॉर्म्स देखेंगे किस तरह की इसकी वेव फॉर्म्स बनती हैं, तो लेस कि आपने एक क्लॉक जनरेट की. ठीक है, क्लॉक की वेव फॉर्म आपके पास यूँ इस तरह से टॉगल होती हुई आपको नजर आ रही होगी. ठीक है, अच्छा, एक आपके पास इनपुट है डी जो बेसिकली हमारे फ्लिप फ्लॉप है इनपुट दे रहा है और एक होगा हमारे पास क्यू. लेट्स से कि मैंने अपने फ्लिप फ्लॉप को पॉजिटिव एच के ऊपर ट्रिगर किया हुआ है कि आई वांट कि जब भी पॉजिटिव एच ऑफ द क्लॉक आए तो जो भी मेरी वैल्यू डी पे अवेलेबल हो वो मेरी क्यू पे वैल्यू असाइन हो जाए. तो लेट्स से कि यहाँ पे पॉजिटिव एच पे मेरे पास जो डी की वैल्यू थी वो थी जीरो. तो जब मेरी डी की वैल्यू जीरो थी तो मेरे क्यू के ऊपर
जब मेरा फ्लॉप ट्रिगर होगा तो वो क्यू के अंदर क्या वैल्यू सेव कर लेगा, अगर जब जैसी पॉजिटिव एज आएगी तो मेरी जो वैल्यू असाइन हुई थी डी के ऊपर वो मेरी क्यू के ऊपर वो सेव कर देगा। तो डी पे उस वक्त अगर देखा जाए पॉजिटिव एज के ऊपर मेरे पास वैल्यू थी जीरो, तो क्यू पे भी मेरे पास वो वैल्यू क्या आ रही होगी, जीरो आ रही होगी। अब अगर मैं डी को यहाँ पे चेंज भी कर दूं, लेकिन मेरा जो क्यू है वो चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने अपने अगर हम इसको थोड़ा मैं डिफरेंट कलर्स पे थोड़ा ले आता हूँ, ठीक है, हम इसको एक एक एच पॉजिटिव एच हम इसको मेंशन कर देते हैं कि हमारा जो ट्रिगर है वो हमेशा पॉजिटिव एच चेंज होगा, ठीक है। लेकिन देखें यहाँ पे मैंने अपने इनपुट डी को तो चेंज कर दिया है, लेकिन उससे मेरा क्यू चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मेरा जो फ्लॉप है वो ट्रिगर नहीं हुआ था, क्योंकि उस वक्त जब वो चेंज वैल्यू हुई उस वक्त उसके पास जो एज आ रही थी वो नेगेटिव एज आ रही थी, और मैंने अपनी कंडीशन लगी थी कि जब तक पॉजिटिव एज नहीं आएगी तब तक मेरा फ्लॉप जो है वो ट्रिगर नहीं होगा। अब आप देखें कि डी जब मेरे पास अगर स्ट्रेट वन चलता जा रहा है, तो अब मेरे पास यहाँ पे सेकंड पॉजिटिव एज की ट्रिगर मुझे रिसीव होती है, तो मेरा जो फ्लॉप होगा वो डी के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो क्यू के अंदर मुझे सेव कर देगा। तो इस पॉजिटिव एज के ऊपर जब ये एज आई है तब मेरे पास डी की वैल्यू क्या थी, वन थी, तो क्यू के अंदर मेरे पास क्या सेव हो जाएगा, वन सेव हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इस डी को यहाँ पे दोबारा ग्राउंड भी कर दूँ, यानी कि इसको जीरो भी कर दूँ, तो अगेन मेरा जो क्यू है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा वन तक, जब तक मेरे पास थर्ड जो इसकी पॉजिटिव एज साइकिल है वो मेरे पास यहाँ पे एंटर नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे ही थर्ड नेगेटिव पॉजिटिव एज मेरे पास आइडर होगी तो वो क्या करेगा, जो दोबारा डी को देखेगा, डी के उस वक्त वैल्यू क्या थी, जीरो थी, तो वो क्यू पे उसको की वैल्यू क्या कर देगा, उसको वो जीरो कर देगा। अब अगर मैं इसको जीरो ही कंटिन्यू करता रहूँ तो अब वो क्या करेगा, इसमें डेफिनेटली कोई चेंज नहीं आया, तो वो फोर्थ एज के ऊपर जाएगा कि फोर्थ एज के ऊपर मेरी वैल्यू क्या थी। फोर्थ एज के ऊपर देखा जाए तो मेरे पास डी सेम क्यू ही था, जीरो ही था, तो फोर्थ एज के बाद भी मेरी जो वैल्यू क्यू की होगी वो जीरो ही कंटिन्यू करती जाएगी, क्योंकि उस वक्त फोर्थ एज जब आई थी तो उसने उसके अंदर जीरो को ही दोबारा सेव करवा दिया था। तो द आइडियल वर्किंग ऑफ द फ्लॉप इज समथिंग लाइक दिस, कि जब भी आप जिस तरह अपने फ्लॉप को ट्रिगरिंग एज के ऊपर डिजाइन करते हैं उस तरह से उसकी वो वर्किंग बिहेव कर रहा होगा। अगर यही चीज मैंने नेगेटिव एज ट्रिगर पे रखी होती कि आई वांट कि मेरी जो फ्लॉप हो वो नेगेटिव एज के ऊपर ट्रिगर हो रहा हो, तो अगर इसके हम वेव फॉर्म को देख रहे होंगे कि अगर इसी सेम इनपुट के ऊपर डी के ऊपर मेरा ये जो क्यू है जो नेगेटिव फॉर्म के ऊपर है, तो वो किस तरह बिहेव करेगा, कि इनिशियली यकीनन इसके ऊपर कोई प्रीवियस वैल्यू होगी, मैं कहता हूँ नेगेटिव जीरो थी, तो जैसी नेगेटिव वैल्यू आई इसको डी के ऊपर क्या मिल गया, हाई मिल गया, तो वो क्यू क्या हो जाएगा, अपने पास हाई हो जाएगा। फिर वो इस दूसरी नेगेटिव एज तक का वेट करेगा, दूसरी नेगेटिव एज पे वो देखेगा कि उसके पास जो डी था वो क्या था, वो जीरो हाई ही था, तो वो अपने अंदर उसको हाई ही सेव रखेगा, क्योंकि इस एज के ऊपर मेरा जो डी है वो हाई ही है, ठीक है। वो इसको कंटिन्यू करता रहेगा तब तक कि उसको थर्ड एज नहीं मिलती, यहाँ पे वो थर्ड एज रिसीव होगी, थर्ड एज नेगेटिव एज के ऊपर वो देखेगा कि मेरा डी की जो वैल्यू थी वो क्या थी, जीरो थी, तो इसको वो क्या कर देगा, अपनी क्यू की वैल्यू को नेगेटिव कर देगा। इसके बाद वो अपनी फोर्थ नेगेटिव एज के ऊपर रिसीव होगा, फोर्थ नेगेटिव एज पे देखेगा कि मेरी डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू आपकी कंटिन्यू जीरो है, तो वो इसी तरह से वो जीरो कंटिन्यू कर रहा होगा। सो दिस इज समथिंग हाउ बिहेव, कि अगर आपका पॉजिटिव एज ट्रिगर है तो वो किस तरह से बिहेव कर रहा होगा, अगर नेगेटिव एज आपका फ्लॉप है तो वो किस तरह से बिहेव कर रहा होगा। हमारी डिजाइनिंग के अंदर हम या तो इसको अपने पॉजिटिव एज रखते हैं या तो हम इसको नेगेटिव एज रखते हैं, हम दोनों एज ट्रिगर्स के ऊपर अपने फ्लॉप को डिजाइन नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि आपका एक ही फ्लॉप दोनों ट्रिगर्स पे वर्क कर रहा हो, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। उस पर आप जब डिजाइन करेंगे तो हार्डवेयर लेवल पे आपको एरर आना शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्लॉप। इसके बाद हम कर लेते हैं इसकी कोडिंग की तरफ मूव करते हैं। तो अगेन सेम हमारे पास जो हमारे फॉलो करते हैं हमारे प्रोसीजर को वही है कि सबसे पहले आपको विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना है, वहाँ पे आपको न्यू फोल्डर बना रहे हैं, न्यू फोल्डर आप बेसिकली हम फ्लॉप बना रहे हैं, तो आप इसको न्यू फोल्डर को फ्लॉप का नाम दे सकते हैं या जो भी आप चाहें फ्लॉप फाइल बना सकते हैं, राइट। फ्लॉप की फाइल के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपनी design.b की फाइल को डिजाइन करूंगा। अच्छा अच्छा कोशिश कीजिएगा इस कोडिंग को थोड़ा साथ देखें, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हम नहीं देख रहे होंगे जो हमारी नॉर्मल फ्लो के अंदर जितनी अभी तक हमने वीडियोस के अंदर कोडिंग की उससे यहाँ की कोडिंग थोड़ी आपके पास डिफरेंट आपको नजर आ रही होगी। सबसे पहले सेम हमारे पास मॉड्यूल का नाम आता है, जो मॉड्यूल डिफाइन करते हैं उसके बाद हम मॉड्यूल को नाम दे देते हैं कि हम फ्लॉप बना रहे हैं, तो लेट्स से इट्स अ फ्लॉप। इसके इनपुट्स हम देख चुके हैं कि हमारे फ्लॉप के अंदर इनपुट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आपके पास एक रीसेट होता है, उसके बाद आपके पास एक क्लॉक होती है, देन यू हैव अ डी इनपुट एंड देन यू हैव अ क्यू वेरिएबल, राइट।
मॉड्यूल डिक्लेयर करने के बाद सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट चीज आती है वो आप क्या करते हैं कि यू डिक्लेयर द इनपुट्स, राइट। तो इनपुट्स आपके पास यहाँ पे सिंगल बिट के ही होंगे, तो इनपुट आपके पास रीसेट सिंगल बिट का होता है, क्लॉक इज ऑल्सो सिंगल बिट, एंड डी भी आपके पास, अभी फिलहाल हम सिंगल बिट फ्लिप फ्लॉप बना रहे हैं तो हमारे पास डी भी यहाँ पे सिंगल बिट का ही होगा, राइट। देन डिजाइन एंड डिक्लेयर आउटपुट्स, ठीक है। अगर हम आउटपुट डिक्लेयर करें तो आउटपुट विल बी अवर क्यू, दैट ऑल्सो विल बी अ सिंगल लाइन। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास दूसरी चीज आती है इंटरिम सिग्नल्स की, सो वी डोंट नीड इंटरिम सिग्नल्स राइट नाउ। मॉड्यूल इनिशिएशन की बात करें तो मॉड्यूल इनिशिएशन भी हमें फिलहाल अभी राइट आउट नहीं चाहिए। अच्छा, बेसिकली अभी हमने जैसे बात की कि हमारा जो फ्लॉप होता है वो इज एक्ट लाइक अ मेमोरी, राइट। ये आप इसको अगर हम थोड़ा यहाँ पे देखें हमारी डिजाइन के अंदर, इसके अगर मैं आपको नोट ला सकता हूँ तो इट विल बी वेरी बेस्ट स्पॉट, ओके दैट्स गुड, ठीक है। तो आप देखें तो ये क्यू के ऊपर जो वैल्यू थी वो कॉन्टिन्यूसली सेव हो रही थी, यानी कि डी तो मेरा चेंज हो गया था लेकिन मेरी क्यू की वैल्यू इस एच के ऊपर चेंज नहीं हुई, यानी कि यहाँ पे जो मेरा क्यू एज अ मेमोरी एक्ट कर रहा है कि वो मेरी वैल्यूज को अपने अंदर सेव करके रखता है। सेम आपने यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपके पास जो क्यू के बाहर आप नेगेटिव एच कर रहे थे उसके ऊपर जब एक वैल्यू सेव हो गई तो वो कंटिन्यूसली चलती रही जब तक मैंने उसको खुद उस एच के ऊपर उसको चेंज नहीं कर दिया। तो दिस शोज के दिस इज एक्टिंग लाइक अ मेमोरी सम आउट ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो मेमोरी बनाने के लिए अगर मैं इसको वायर डिक्लेयर करता हूँ अपनी कोडिंग के अंदर, तो वायर का बिहेवियर क्या होता है कि वायर जिस तरह से आप जब भी उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन चेंज करते हैं तो वायर अपनी वैल्यू चेंज कर देता है, लेकिन हमें क्या हमें डिक्लेयर करना है, हमें इसको यहाँ पे मेमोरी बनानी है। तो हम यहाँ पे अपने आउटपुट को वायर डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम अपने आउटपुट को यहाँ पे रेज डिक्लेयर करेंगे बिकॉज वी आर मेकिंग अ रजिस्टर, राइट। तो हम यहाँ पे रेज के कीवर्ड को यूज करके अपने क्यू को डिक्लेयर कर रहे होंगे। अब जब हमारा अभी तक हमने जितने भी आउटपुट डिक्लेयर किए थे वो सारे हम इस वायर डिक्लेयर करते थे और उसके अंदर हम असाइन स्टेटमेंट्स के अंदर इसको हम यूज कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास जब रेज हो गया है तो हम अपने रेज के साथ अपने मॉड्यूल के अंदर, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि हम लॉजिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो हम अपने रेज के साथ असाइन की कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें उसके प्रोसीजर ब्लॉक्स को यूज करना पड़ता है, ठीक है। प्रोसीजर ब्लॉक्स के अंदर की मैं बात करूँ, ठीक है, प्रोसीजर ब्लॉक्स जो होते हैं वो दो किस्म के, एक होता है इनिशियल बिगिन, ठीक है, ये बेसिकली हम हर अपनी टेस्ट बेंच में यूज करते हुए आ रहे हैं कि जो एक बार ही चलता है तो इसको हम अपनी टेस्ट बेंच तक ही यूज करते हैं, हम इसको अपने हार्डवेयर लेवल पे यूज नहीं कर रहे होते। तो लेट्स से कि दिस इज ओनली फॉर द टेस्ट बेंचेस, राइट। उसके बाद एक हमारे पास और ब्लॉक होता है जिसको हम कहते हैं ऑलवेज, ठीक है, इसको इनिशियल ब्लॉक, एंड द सेकेंड ब्लॉक इज ऑलवेज ब्लॉक। ऑलवेज ब्लॉक बेसिकली हम इसको यूज कर रहे होते हैं फॉर द हार्डवेयर, उसको हम बेसिकली हार्डवेयर तो नहीं करेंगे, हम कह सकते हैं डिजाइन प्लस टेस्ट बेंच के अंदर इसको हम यूज कर सकते हैं, और इसको हम किस तरह यूज करेंगे वो भी हम आज देख रहे होंगे। तो अगर ऑलवेज ब्लॉक्स के हम सिंटेक्स की बात करें तो सबसे पहले एक ऑलवेज का कीवर्ड आता है, उसके बाद यू हैव अ एट, एट के बाद आपके पास दो एक पैरेंथेसिस आते हैं जिसके अंदर हम उसकी सेंसिटिविटी लिस्ट बताते हैं। सेंसिटिविटी लिस्ट शोज कि भाई मुझे ये ऑलवेज का जो ब्लॉक है एट कब कब चलाना है, जिस जिस सेंसिटिविटी लिस्ट के अंदर मैं जो जो वेरिएबल्स रखूंगा या जो जो सिग्नल्स रखूंगा जब जब वो चेंज होंगे तब तब ये मेरा ऑलवेज का ब्लॉक क्या हो रहा है एग्जीक्यूट हो रहा होगा। इस लाइक अ प्रोसीजर के भाई आपने कंडीशनल ब्लॉक भी कह सकते हैं, इसको प्रोसीजर ब्लॉक भी कह सकते हैं कि जब जब मेरी ये कंडीशन ट्रू हो या इसके अंदर कोई वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू चेंज हो तब तक आपको ये ऑलवेज के ब्लॉक को रन करना है, राइट। सो लेट्स से कि भाई मैंने ऑलवेज ब्लॉक लिखा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि भाई ये हमारा जो फ्लॉप का ऑलवेज ब्लॉक है वो किस पे चल रहा होगा। हमारे पास अगर वेरिएबल्स देखें तो एक तो रीसेट है, एक क्लॉक है, एक डी है और क्यू है। क्यू तो आपका आउटपुट है तो वो तो डेफिनेटली इस वेरिएबल का हिस्सा नहीं बन सकता सेंसिटिविटी लिस्ट का। तो हमारे पास तीन वेरिएबल्स बचते हैं, आइदर रीसेट, आइदर क्लॉक और डी। अब मैं अगर इसको डी पे चेंज करवाऊंगा तो मेरी भी जो फ्लिप फ्लॉप की जो एक्चुअल वर्किंग है या जो उसके फिनोमेना है वो वहाँ पे वो फेल हो जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट डी कर सकते हैं लेकिन वो हम जब इनपुट वेरिएबल्स के ऊपर रखते हैं उसकी वो डिफरेंट मॉडलिंग होती है, तो वो आप बाकी वीडियोज के अंदर आप उसको देख रहे होंगे। अभी हम क्या हम रीसेट के ऊपर या तो इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन रीसेट आपको पता है कि हम हर बार अपने डिजाइन को रीसेट नहीं दे रहे होते क्योंकि रीसेट हमेशा एक ही बार चेंज होता है, ठीक है। जब आप कंप्यूटर अगर एग्जांपल लेते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर जब आपका स्टक हो जाता है तो यू प्रेस द रीसेट बटन, आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देते हैं, तो वो हमेशा एक बार होता है। आप हर बार किसी एप्लीकेशन के बाद बार बार अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट नहीं कर रहे होते,
तो यही यहाँ पे जो लॉजिक है वो रीसेट की है, तो मैं रीसेट के ऊपर भी अपनी सेंसिटिविटी लिस्ट को बेस नहीं कर सकता कि भाई हर बार अगर रीसेट में दे रहा हूँ तो मेरा जो सिस्टम का ऑपरेशन है या डिजाइन का जो ऑपरेशन है वो हर बार जीरो हो रहा होगा, उसके अंदर वो ऑपरेशन हो ही नहीं रहा होगा मैं जो चाह रहा हूँ। तो हमारे पास सिर्फ एक ही अभी सिग्नल बच जाता है, वो कौन सा है? क्लॉक। जैसे हमने बात की थी कि हमारे जो फ्लॉप होते हैं वो किस पे वर्क कर रहे होते हैं, क्लॉक बेस वर्क कर रहे होते हैं। तो हमारे सेंसिटिविटी के लिस्ट के अंदर यहाँ पे क्या आएगा कि भाई हमें ये ब्लॉक कब कब चलाना है, जब तक हमारी क्लॉक आए। अभी हम पीछे थ्योरी के अंदर ये देख चुके हैं कि हमारी क्लॉक जो होती है वो टॉगल हो रही होती है, अप हाई लो हाई लो, इसी तरह मूव कर रही होती है। तो हमें इसको इसके साथ ये भी बताना पड़ेगा कि यार आप किस क्लॉक के एज के ऊपर इसको चलाना चाहते हैं, यानी कि आप कब चाहते हैं कि ये पॉजिटिव एज के ऊपर सिर्फ चल रहा हो या सिर्फ ये नेगेटिव एज पर चल रहा हो। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि आप दोनों एज के ऊपर एक साथ चला नहीं सकते। ठीक है, अगर इसको मुझे पॉजिटिव एज पर चलाना है तो आई विल राइट पॉज एज। ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा कि ये मेरे ऑलवेज ब्लॉक को सिर्फ हमेशा पॉज एज ऑफ द ब्लॉक चला रहा होगा, या तो फिर मैं इसको ये कर सकता हूँ कि भाई ऑलवेज एज नेग एज, कि भाई आपको कब कब चलाना है, जब जब इसका नेगेटिव एज हो। मैं इसको इस तरह नहीं कर सकता कि अगर मैं लिख दूं कि पॉज एज और नेग एज ऑफ द क्लॉक। ठीक है, अगर आप इस तरह की कोडिंग कर रहे हैं तो ये आपको एरर थ्रो कर रहा होगा, ये आपके डिजाइन को कभी रन करने देगा ही नहीं। तो आइदर वी कैन यूज अ पॉज एज क्लॉक और नेग एज क्लॉक, फॉर द टाइम बीइंग वी आर यूजिंग अ पॉज एज क्लॉक। ठीक है, क्लॉक के बाद आपके पास बिगिन एंड एंड जरूर आता है। अच्छा, इसके ऊपर हमें सबसे पहले हमने बोला कि कंडीशन हमें लगानी है कि फ्लॉप को सबसे पहले आप क्या करते हैं, रीसेट प्रोवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कंडीशन लगाते हैं कि इफ स्टेटमेंट, जैसे आप बाकी प्रोग्रामिंग के अंदर इफ की स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हम अपनी इफ स्टेटमेंट को यूज करेंगे। ठीक है, इफ स्टेटमेंट की डिटेल्स मजीद हम आगे की वीडियोस में देखेंगे, तो अभी आप यहाँ पे इसके हम सिर्फ सिंटेक्स को भी देख रहे हैं। हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि इफ रीसेट इज डबल इक्वल्स टू वन बिट बाइनरी वन, अगर आपके पास रीसेट हाई है, सो व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है, और व्हाट यू हैव टू डू कि आप क्यू के ऊपर असाइन कर दें वन बिट बाइनरी जीरो। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी मेरा अगर रीसेट मेरा वन है तो आप क्यू के ऊपर क्या असाइन कर दे, जीरो असाइन कर दे, नहीं तो एल्स बिगिन क्यू के ऊपर आपको क्या असाइनमेंट करनी है, जो भी मेरा डी आ रहा है वो आपको क्यू के ऊपर असाइन करना है। राइट, सो दिस इज माई ऑलवेज ब्लॉक, और ये मेरी फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग है कि जब भी मैं रीसेट का बटन दबाऊं तो क्यू की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाए, वरना तो जब तक मेरा रीसेट जीरो है बाकी जो इसकी कंडीशन होगी कि या तो वन होगा या तो जीरो ही हो सकता है। तो जब जब जीरो है तो जब जब पॉसेज आएगी तो टी के ऊपर जो भी वैल्यू हो वो क्यू के ऊपर मैप होती चली जाए। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक सिंपल फ्लिप फ्लॉप की डिजाइनिंग का कोड है कि आप किस तरह से फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करते हैं। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर टेस्ट बेंच, testbench.b। ठीक है, इसके ऊपर कुछ चीज़ें हमारी जो सेम नॉर्मल होती है इसी तरह हम डिज़ाइन करेंगे, मॉड्यूल का नाम टीबी राइट एंड मॉड्यूल, उसके बाद सबसे पहले डिक्लेयरिंग डिज़ाइन राइट, डिज़ाइन का नाम हमने आई गेस फ्लॉप रखा था, फ्लॉप के बाद दैट, उसके बाद उसके इनपुट्स एंड आउटपुट्स होंगे, इनपुट्स एंड आउटपुट्स भी होंगे, हमारे पास क्या क्या थे, एक तो हमारे पास रीसेट था राइट, उसके बाद हमारे पास डॉट क्लॉक थी, देन डॉट डी एंड कॉमा डॉट क्यू राइट। ठीक है, इसी तरह बेसिकली जैसे हम डिक्लेयर सिग्नल्स करते हैं, उसके बाद हम डिक्लेयर डिज़ाइन के बाद सबसे पहले हमारा काम होता है डिक्लेयर वेरिएबल। ठीक है, अब वी नो कि हमारे पास इसके अंदर जो इनपुट्स होंगे क्या क्या होंगे, एक तो रीसेट आपके पास इनपुट होगा राइट, उसके बाद एक आपके पास क्लॉक रीसेट होगी और आपके पास डी इनपुट होगा, और उसके बाद जो एक आपके पास जो आउटपुट होगा इसका वायर विल बी योर क्यू। ओके, लेट्स कनेक्ट अवर वेरिएबल्स विद अवर डिजाइन, तो रीसेट के साथ रीसेट को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद क्लॉक के साथ क्लॉक को, डी के साथ डी को एंड विद क्यू विद क्यू राइट। अच्छा, अब यहाँ पे इस टेस्ट बेंच के अंदर जैसे मैंने बोला था कि कुछ चीजें हमारी पास चेंज आ रही होंगी, वो चेंज क्या आ रही होगी कि हम पहले सबसे पहले क्लॉक खुद जनरेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्लॉक की मैंने बात की कि क्लॉक इज लाइक अ टॉगलिंग, कि क्लॉक हमेशा टॉगल हो रहा होता है, तो हम यहाँ पे पहले हमेशा क्या करते थे, टेस्ट बेंच में इनिशियल ब्लॉक को यूज करते थे, लेकिन अब हम यहाँ पे क्लॉक को जनरेट करने के लिए इनिशियल ब्लॉक को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए कि क्लॉक हमेशा हाई लो हाई लो हाई लो होती रहे, जैसे हमने क्लॉक की
वेवफॉर्म को देखा था. तो उस डिजाइनिंग के लिए टू जनरेट क्लॉक हम कौन सा ब्लॉक यूज करेंगे? ऑलवेज. ठीक है, हम बोलेंगे कि भाई ऑलवेज बिगिन एंड एंड. अच्छा, टेस्ट बेंच के अंदर इसके अंदर कोई सेंसिटिविटी लिस्ट नहीं होगी. हमने अभी देखा था कि डिजाइन के अंदर हमने उसके साथ सेंसिटिविटी एक लिस्ट रखाई थी कि जब जब वो चीजें ट्रू हो या कंडीशन उसमें वो वेरिएबल चेंज हो तब आपको ऑलवेज ब्लॉक चलाना है. लेकिन टेस्ट बेंच के अंदर कोई कंडीशन नहीं होगी क्योंकि मैं तो चाह रहा हूँ कि भाई ये हर बार ही चलता है. तो आप इसको ऑलवेज विदाउट एनी कंडीशन आप लगा दें कि भाई ऑलवेज हमेशा ही फॉर एवर लूप ये चलता रहे. तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्लॉक को एक वैल्यू देंगे कि मैं कहता हूँ 1 bit binary 0 कि सबसे पहले मेरी जो क्लॉक हो वो 0 से स्टार्ट हो. उसके बाद आप इसको कुछ सेकंड्स का डिले देंगे. अच्छा, क्लॉक का जो डिले होगा डेट विल बी द 50% या हाफ ऑफ द डिले यू आर गिविंग इन टू द इनपुट. ठीक है, अगर आप अपने टेस्ट बेंच के अंदर जैसे हमने जितनी भी आज तक की टेस्ट बेंच बनाई है उसमें हमेशा हम अपने इनपुट के दरमियान 100 seconds का डिले देते हैं, तो क्लॉक के अंदर जो उसका डिले होगा वो 100 seconds का हाफ होगा क्योंकि आप चाहते हैं कि पूरे 100 clock cycle के अंदर मेरे पास एक पूरी क्लॉक जनरेट हो. ठीक है, अगर आप उसको सिर्फ इसके अंदर अगर मैं इसको 100 कर दूंगा तो मेरा जो क्लॉक होगी वो पूरी जनरेट नहीं होगी, वो हाफ ऑफ द क्लॉक से जनरेट हो रही होगी. तो हम इसको क्या करते हैं, हाफ ऑफ द क्लॉक साइकिल इसको हम रखते हैं 50. उसके बाद हम कहते हैं कि भाई क्लॉक 1 था तो इसको फिर क्लॉक को आप क्या करते हैं 1, और उसके बाद दोबारा इसको 50 seconds का हम डिले दे सकते हैं. तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी पूरी 100 clock cycle 100 seconds की डिले के अंदर आपके पास क्लॉक की वैल्यू 2 आ रही होंगी, एक 0 और एक 1. तो आप पूरी क्लॉक जो हमने देखा था कि पूरी क्लॉक हमारी किस तरह से जनरेट होती है अगर आप डिजाइन में देखें, सो इट गोज हाई एंड इट गोज लो. तो ये पूरी क्लॉक आपके पास, अगर इसको मैं मेंशन करूं तो ये पूरी क्लॉक आपके पास 100 seconds के अंदर जनरेट हो रही होगी. राइट, ओके, लेट्स कम बैक टू द कोडिंग. ठीक है, ये हमने हमारे पास क्लॉक को जनरेट कर लिया. अब इसके बाद हमारे पास अगेन सेम हमारे पास इनिशियल बिगिन का ब्लॉक आता है. ठीक है, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं हमारे इनपुट्स को रिफंड करने के लिए. अब हमारे यहाँ पे इनपुट्स क्या क्या है, आइदर दो इनपुट्स है, एक रीसेट और एक हमारे पास डी. रीसेट की बात मैंने बोली कि रीसेट आप हमेशा हम ऑल द टाइम नहीं दे रहे होते, हम फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द इनपुट हम एक रीसेट देते हैं, उसके बाद उसको हम रिमूव कर देते हैं. तो हम सबसे पहले क्या देंगे, रीसेट को एक वैल्यू देंगे कि भाई रीसेट शुड बी 1 1, क्योंकि मुझे रीसेट करना है तो मुझे रीसेट को हाई करना पड़ेगा कि भाई रीसेट हो, मेरा डिजाइन रीसेट हो. ठीक है, उसके बाद 100 सेकंड्स का डिले, उसके बाद मैं अपने रीसेट को क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा, कि जो पहले रीसेट था अब उसको आप रीसेट को हटा दें. ओके, 100 सेकंड के बाद मैंने 100 सेकंड के लिए उसको रीसेट दिया, फिर उसके बाद मैंने रीसेट को हटा दिया. अब मैं उसको दोबारा रीसेट प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जो पूरा डिजाइन है वो रीसेट एक बार हो चुका है. अब मैं इसको जो इनपुट दे रहा हूँ वो क्या इनपुट दे रहा हूँ, जो मेरे एक्चुअल वैल्यूज है. मेरी वैल्यूज क्या है, डी, डी इज माई वैल्यू. तो मैं यहाँ पे अब अपने डी की वैल्यू को इनपुट कर रहा हूँ. ठीक है, हम यहाँ पे पहले दे देते हैं 1 bit binary, देन 100 सेकंड्स ऑफ डिले, देन अगेन डी को हम कर देते हैं 1 bit binary 0 एंड 100 सेकंड्स ऑफ डिले. राइट, तो बेसिकली ये इसका मतलब ये कि पहले आपने अपने डिजाइन को रीसेट दिया, वो रीसेट हुआ, उसके बाद आपने रीसेट को हटा दिया. रीसेट को हटाने के कुछ 100 seconds के बाद आपने उसको डी की एक वैल्यू प्रोवाइड की 1, और फिर 100 seconds के बाद आपने उसको प्रोवाइड की वैल्यू 0. ठीक है, अब इसको हम देखेंगे कि वो क्यू के ऊपर इसका किस तरह से बिहेवियर हमें नजर आ रहा होता है. अच्छा, ये तो हमने कर लिया. अच्छा, ये हमारा था स्टिमुलस. अब हमारी बारी आती है डंप फाइल कमांड. ठीक है, आई गेस ये तो अब आप लोग को ये चीजें बड़ी आसानी से याद हो गई होंगी. सो डॉलर डम फाइल डम डॉट bcd, राइट, एंड देन डम बार्स. ओके, सो वी आर डन विद अवर डिजाइन एंड बोथ टेस्ट बेंच. सो लेट अस गो एंड ओपन अ न्यू टर्मिनल एंड रन अवर डिजाइन. टर्मिनल पे आएंगे, सेम आई वेरी लॉग माइनस ओ आउट डॉट bvp की कमांड, टेस्ट बेंच डॉट बी and then design.b, right? Again, successfully run हो गया, कोई error नहीं है. bvp, out.bvp, dump file open. अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो dump command है वो continuously चल रही है, वो खत्म नहीं हो रही. इसकी वजह क्यों है कि मैंने अपने clock को हमेशा forever loop चलाया हुआ है कि वो हमेशा चलता रहेगा.
तो फॉर एवर लूप हमेशा चलता रहेगा, तो मेरी टेस्ट बेंच भी हमेशा चलती रहेगी, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। तो अभी तो मैंने इसको बाई डिफॉल्ट स्टॉप कर दिया, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं कि टेस्ट बेंच के अंदर इन द वेरी लास्ट ऑफ द टेस्ट बेंच हम एक कीवर्ड यूज करते हैं फिनिश, कि आप जब ये सारे इनपुट्स प्रोवाइड कर दो देन यू हैव टू फिनिश अवर टेस्ट बेंच, ताकि वो टेस्ट बेंच को रोक दे, राइट। अच्छा, इसको अब दोबारा हम फ्रॉम द वेरी स्टार्ट सारी चीजें करेंगे, ठीक है। आप देखें तो आपने देख रहा होगा कि आपके पास अब आउटपुट पे दो चीज आ गई, टेस्ट बेंच 33 फिनिश कॉल एट 400 सेकंड्स, कि जब 400 सेकंड्स के अगर आप देखें तो 100 सेकंड्स का डिले, ये 100 प्लस 100 200 सेकंड्स, 200 प्लस 100 300 सेकंड्स एंड 300 प्लस 100 400 सेकंड्स, राइट। तो ये 400 के सेकंड्स के बाद आपकी जो टेस्ट बेंच है वो फिनिश हो गई है। द नेक्स्ट कमांड विल बी अवर GTK कमांड, GTK वेव कमांड। सो लेट्स सी अवर टेस्ट बेंच के हमारे पास किस तरह के सिग्नल आते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्लॉक को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाउ योर क्लॉक इज टॉगलिंग, कि 50 सेकंड्स तक 0 है, फिर 50 सेकंड्स तक 100 है, फिर 0 है, फिर 100 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, win. So this is how we generate our clock in our design. ठीक है, उसके बाद reset, उसके बाद D and then Q, right? So let's zoom in. तो अब आप देख सकते हैं कि जब पहले मेरे पास इनिशियल वैल्यू जो थी क्लॉक 0 थी, ठीक है, हमने 0 से शुरू किया, हमारे पास रीसेट 1 था, लेकिन फ्लॉप जो हमेशा चलता था हमारा जो ऑलवेज ब्लॉक का जो कमांड है, अगर आप डिजाइन के अंदर ऑलवेज ब्लॉक को देखेंगे तो ये कब चलेगा, हमेशा पॉज एज क्लॉक के अंदर चलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले नेगेटिव क्लॉक चल रही थी, तो उसने उसके अंदर कोई भी वैल्यू क्या रखी, एक्स रखी, क्योंकि वो कह रहा था कि भाई मेरे पास यहाँ पे मुझे कोई वैल्यू नहीं पता। जैसे ही उसके पास पॉज एज क्लॉक आई, उसने रीसेट की कंडीशन को चेक किया कि भाई मेरे पास रीसेट की जो कंडीशन थी हमारे कोडिंग के अंदर वो देखें तो क्या थी, कि अगर रीसेट 1 है तो क्यू के ऊपर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो यू कैन सी कि जैसे ही हमारे पास रीसेट पे 1 आया है तो हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई, राइट। उसके बाद रीसेट आप देखेंगे तो हमारे पास इस क्लॉक साइकिल पे हमने रीसेट को हटा दिया था 100 सेकंड्स के बाद, उसके बाद क्यू आपका 0 ही रहा, वो चेंज नहीं हुआ। उसके बाद जब दूसरी एज आई तो उस वक्त तक मैंने अपने डी का जो इनपुट दिया था पॉजिटिव एज के ऊपर, क्योंकि रीसेट 0 था, तो उसने कौन सी कंडीशन चेक की कि भाई फर्स्ट कंडीशन गेट फेल्स, सो वो आपके पास चला गया एल्स के अंदर। एल्स के पास गया तो एल्स के अंदर आपने क्या बोला था कि जो भी डी है वो आपकी क्यू के ऊपर मैप हो जाए। तो उस वक्त जब उस पॉजिटिव एज पे उसने देखा कि मेरे पास डी पे क्या इनपुट था, एक्स था, तो उसने उसी एक्स को मेरे क्यू के ऊपर क्या कर दिया है, मैप कर दिया। और वो कंटिन्यूसली आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे डी मैंने इस नेगेटिव साइकिल पे चेंज कर दिया था, लेकिन उसने मेरे क्यू को चेंज नहीं किया, क्योंकि मेरा जो ऑलवेज का ब्लॉक है वो उस वक्त तक चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा चलता कब है, जब मेरी पॉजिटिव एज आती है। डी यहाँ पे आपने बंद किया, तो जैसे ही आपने यहाँ पे दोबारा उसकी पॉजिटिव एज आई, उसने चेक किया कि भाई डी की जो वैल्यू है वो क्या है, रीसेट जो वैल्यू है 0 है, सो मुझे एल्स की कमांड के अंदर जाना है। एल्स की कमांड के अंदर जाके उसने देखा कि डी की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो उसने उसी 1 को क्या कर दिया, आपके क्यू के ऊपर डायरेक्टली मैप करके आपको शो कर दिया। उसके बाद आपके पास नेगेटिव एज आई, नेगेटिव एज के ऊपर आपने डी की वैल्यू को चेंज किया, बट उसका इफेक्ट आपके क्यू के ऊपर नहीं आया। अगेन यू गेट द पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक, उसने उसके ऊपर सबसे पहले रीसेट को चेक किया कि रीसेट की जो वैल्यू है वो 0 है, सो आप एल्स की कमांड, एल्स की कंडीशन में चले गए। एल्स की कंडीशन में था कि आपके पास जो भी डी है वो आपको क्या करना है, क्यू के ऊपर मैप करना है, तो उसने एग्जैक्टली जो डी की जो वैल्यू थी उसने क्यू के ऊपर उसको 0 कर दिए। सो यू कैन सी के देखो डी हमने इस क्लॉक साइकिल के ऊपर चेंज कर दिया था, लेकिन वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि उसने प्रीवियसली क्यू के ऊपर मेरे डी को क्या रखा हुआ था, सेव रखा हुआ था। सो दिस इज एक्टिंग लाइक अ मेमरी, कि जब तक मैं अपने डी की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा, मैं अगर चेंज भी कर देता हूँ, लेकिन जब तक उसकी वो सेंसिटिविटी लिस्ट की जो कंडीशन ट्रू नहीं होती, तब तक वो मेरी वैल्यू को ओवरराइड नहीं करता। तो दिस इज समथिंग लाइक अ मेमरी एलिमेंट यू आर इंट्रोड्यूसिंग इन टू योर डिजिटल डिजाइन, ठीक है। अगर हमें अपनी किसी वैल्यू को सेव करवाना होता है, जैसे आप मोबाइल फोन के अंदर अपने डाटा को सेव रखते हैं, तो वो उस टाइम तक क्यों सेव रहता है, जब तक आप उसको ओवरराइड नहीं करते हैं, क्योंकि आप उसके अंदर कंडीशन लगाते, कंडीशन होती है कि भाई जब तक आप ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, यू डोंट हैव टू ओवरराइड दिस फाइल, राइट। तो इसी तरह यहाँ पे भी हमने जो सेंसिटिविटी लिस्ट रखी थी, हमने क्लॉक की रखी थी, जिस तरह क्लॉक जब भी आती है तो वो उसके रिस्पेक्ट से अपनी वैल्यू को ओवरराइड कर देता है। अगर मैं सेंसिटिविटी लिस्ट में कोई एक और वेरिएबल लगता, तो वो जब तक उस वेरिएबल में चेंज नहीं आता, तब तक वो मेरी क्यू की वैल्यू को अपडेट नहीं कर रहा होता, ठीक है। इसको मजीद डिटेल में हम बाकी की वीडियोज में हम इसको देख रहे होंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये फ्लॉप का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो मजीद आप इसकी थ्योरीज इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं, और मजीद इसकी वीडियोस इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजीद ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
So that's all for today. Thank you very much.